वेलकम बैक फ्रेंड। तो देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को लेकर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। 1 सितंबर से पूरे देश में अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है, लेकिन अनलॉक 4 लागू होने से पहले बहुत सी बातों पर यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है, जिनमें खासकर स्कूल कॉलेज कोचिंग को खोलने को लेकर सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहे हैं, क्योंकि अब प्राइवेट संस्थानों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है, और इस कारण अब उन लोगों को किसी ना किसी रूप में रोज़गार चाहिए और स्कूल खोलना बेहद ही ज़रूरी हो चुका है। ऐसे में सरकार भी काफ़ी विवश है और बार बार इस चीज़ को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि किस प्रकार स्कूल कॉलेज खोले जाएँ। और अनलॉक 4 की गाइडलाइन में अब इस बात की काफ़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि अनलॉक 4 यानी 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की जो रूपरेखा है वो कैसे तैयार होगी। आज के इस वीडियो में आप लोग को विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा है केंद्र सरकार ने। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर हर नई और करेंट अपडेट्स आपको देखने मिलती है। तो आइए यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कि जो यहाँ पर मीडिया की जो इस समय मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके हिसाब से, क्योंकि देश में कोरोना वायरस की स्थिति भी बढ़ती जा रही है, चूँकि रिकवरी रेट अधिक होने के कारण सरकार कुछ सोच पा रही है, तो यहाँ पर रिपोर्ट यही है कि आगामी 1 सितंबर से सिनेमा हॉल्स, मेट्रो और स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक के माध्यम से इसमें धीरे धीरे ढील देना शुरू किया था, लेकिन अब यहाँ पर 1 सितंबर से जो अनलॉक शुरू हो रही है उस अनलॉक में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देने की बात चल रही है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस लॉकडाउन में कितनी रिलैक्स दी जाएगी। तो यहाँ पर है कि जो आपके मल्टीप्लेक्स है उसको खोलने की इजाज़त नहीं है, यानी 1 सितंबर से जो आपके स्टैंड अलोन सिनेमा, यानी कि जो अगर सिर्फ सिनेमा हॉल है वो खुल सकते हैं, लेकिन जो आपके मॉल्स में मल्टीप्लेक्स होते हैं उसे यहाँ पर मॉल्स के मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद दूसरी ओर आपके जो आपके ट्रायल बेसिस पर मेट्रो सेवा को यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है, ये भी यहाँ पर आपके ट्रायल बेसिस पर होंगे और वो 15 दिन के लिए होगी। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई लोकल की तरह जरूरी सेवाओं में लगे सिर्फ यहाँ पर जो आपके 50 यात्री को ही यहाँ पर आपको इजाज़त होगी कोच में, एक कोच में बैठने की, ये हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी बात है स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कई राज्यों ने घोषणा भी की थी कि वे अगस्त के अंतिम सप्ताह में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लेगी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि केंद्र राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई अभी फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरह से जो है निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस निर्णय को पूरी तरह से राज्य सरकार पर छोड़ देगी और राज्य अपने अनुसार से हालात को देखकर इजाज़त दे सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ राज्य पर डिपेंड होगा और केंद्र का जो निर्देश है उसके अनुसार पहले केंद्र ने सभी राज्यों से यह यहाँ पर सुनिश्चित करने कहा है, ये कहा है केंद्र ने कि आप पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लॉकडाउन में ढील की जो मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और पत्र में भी यह कहा गया है, ये जो बात है यहाँ पर एक पत्र के जरिए भी कहा गया था कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अगर होता है तो वो सीधा उल्लंघन होगा। ऐसा कोई दिशा निर्देश गृह मंत्रालय नहीं दे रही है, लोगों का आवाज़ एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई पाबंदी अब नहीं होनी चाहिए, वो एक जैसे दूसरे जगह आ सकते हैं। तो ऐसे में अब स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। अब राज्य सरकार पर यहाँ पर डिपेंड है कि वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि इस समय जो कोरोना के आंकड़े हैं
वो अब 30 लाख के भी पार हो चुके हैं और अब तक लगभग 56,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी इस बीमारी से हो चुकी है। लेकिन अगर वहीं पर माने तो कोरोना के एक्टिव जो पेशेंट है वो अभी मात्र 7 लाख के ही आसपास है। इसी कारण से रिकवरी रेट को देखते हुए एक बार फिर से जो बड़े स्तर के बच्चे हैं मैट्रिक और बोर्ड परीक्षा देने वाले, उनके स्कूल्स और क्लासेस को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। तो यहाँ पर एक आशा बढ़ रही है, हालांकि केंद्र ने अभी यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा। तो देखते हैं फिर अनलॉक 4 की गाइडलाइंस बनते के साथ क्या इसमें आती है रिपोर्ट पूरी तरह से। जैसे ही नई अपडेट्स आएगी इस पर हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाकर लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, और सभी लोग इस चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।